किंतु सोच समझकर बोलना एक कला है। जिस घर में प्रेम होता है, वहां सफलता और धन स्वयं चलकर आते हैं। तीन चीजें अगर चली गई तो कभी वापस नहीं आती, समय, शब्द और अवसर। तीन चीजें इंसान की अपनी होती हैं, रूप, भाग्य और स्वभाव। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। सच की हालत भी तबायफ के जैसी है, तलबगार बहुत हैं, तरफदार कोई नहीं। सुंदरता की तलाश में चाहे सारी दुनिया का चक्कर लगा लो, लेकिन अगर वो आपके अंदर नहीं तो फिर कहीं नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सुधरना बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि माहौल पर। विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज्य में रहकर भी नहीं सुधरी। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। खोने की दहशत और पाने की चाहत ना होती तो ना खुदा होता और ना कोई इबादत होती। माफी मांगने से कभी यह साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और वो सही है। माफी का असली मतलब है कि हम में रिश्ता निभाने की काबिलियत उससे ज्यादा है। मत करना अभिमान अपने आप पर, हे इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। किसी का यह सोचकर साथ मत छोड़ना कि उसके पास कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए, बस ये सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हारे सिवा खोने के लिए। हर किसी को खुश करना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यह तो हमारे बस में ही है। दुआ जुबान से नहीं दिल से निकलती है, क्योंकि दुआ तो उनकी भी कबूल होती है जिनकी जुबान नहीं होती। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई कभी नहीं भूलता। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ, क्योंकि बाहर एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। ईगो की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं, कोशिश करके देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। जीवन में कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में।
विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इतना आसान नहीं है हर किरदार निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है।